नमस्कार पशुपालक साथियों, जितने भी भाई जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आज का वीडियो HSB सारसपम बायोटेक से ही लेके आ रहे हैं जी, और बहुत ही स्पेशल वीडियो है। बहुत ही स्पेशल क्यों है, उसका कारण मैं आप भाइयों को बताऊंगा। सीमन तो हम दाएं बाएं अपने नियर बाई जितने स्टेट हैं वहाँ तक पहुँचाते रहते हैं, लेकिन पशुपालकों में HSB का जुनून कितना है, इसकी एक जीती जागती मिसाल आज आप भाइयों के सामने मैं लेके आया हूँ। वेस्ट बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से भाई साहब अपने पास आए हैं, और ये कह सकते हैं बिल्कुल बांग्लादेश का बॉर्डर इनके घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। तो वेस्ट बंगाल से पहली बार मैं कहूँगा HSB पे कोई भाई इतनी दूर से स्पेशल एक किसान जो है वो सीमन लेने के लिए आया है, मैं भाई साहब से बात करवाऊँगा। वैसे तो बंगाली जो है इनकी लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है जितना भी भाई को हिंदी आती है आप हिंदी में पूछने की कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं जी? हाँ ठीक हो, आप कैसे हैं, आप बोलिए। बढ़िया बढ़िया। सर नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम बोनफुल विश्वास है, मेरा गांव बोगुला है, मेरा डिस्ट्रिक्ट नदिया है। नदिया है, तो बांग्लादेश आपके यहाँ से 50 किलोमीटर रह जाता है? लगभग 50 किलोमीटर दूरी है। तो भाई साहब ये बताओ, पहली बार मैं इतना क्रेज देख रहा हूँ, चलो बाइक पे भी हमारे पास एक भाई यूपी से आए स्पेशल सीमन लेने के लिए, लगभग 300-400 किलोमीटर एक साइड का पड़ता था उनका, लेकिन आप इतनी दूर से आए हैं सीमन लेने के लिए, तो क्या इसका रीजन है भाई साहब बताओ। सर पहले आपको नमन करता हूँ दिल से, क्योंकि इसका रीजन आप ही हो। आप अगर वीडियो नहीं डालते तो मैं आपका सब्सक्राइबर नहीं होता, और सब्सक्राइबर नहीं होता तो वीडियो नहीं देखता, और वीडियो देख के मेरे दिल में ऐसा जगह अरमान, मैंने तो पहले वो एसिप में काम करता था, होलस्टाइन फ्रीजियन में, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास, मुझे ऐसा लगता है उसके पास दिल नहीं है। और ये देख कर मुझे ऐसा लगा रंग लाल है और कथकठी सुंदर है, इसलिए भागे। और मैं गांव का आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ जितना हो सके गांव से जुड़ा रहना चाहता हूँ। जो देशी है वही लेना चाहिए, जो विदेशी है वो अवॉइड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, वो मेरा अपना मानना है। ठीक है, इसलिए मैंने उधर से इधर आया, क्योंकि हमारा उधर ठीक तरह से प्योर ब्रीड नहीं मिलते, ये ब्रीड प्योर है, इसलिए मैंने इधर चला आया और सीमन लेने के लिए इधर आया। एक कारण ये भी है शायद आपके वेस्ट बंगाल में गाय जाती भी नहीं है, परमिट भी उधर का नहीं मिलता गाय भेजने के लिए, तो आपको तो उधर ब्रीडिंग ही करनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए तो आपके पास आया हूँ, क्योंकि मुझे ब्रीडर बनना है, इसलिए आया हूँ। ठीक है ठीक, वरना नहीं आता, क्योंकि इधर से अगर ऐसे बहुत दूर से आता हूँ और बहुत कष्ट भी झेलना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए इधर से अगर ब्रीड लेके जा सकता हूँ तो उधर ब्रीड तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इधर आना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि आपके पास कितने दूध वाली गाय हैं? 10 है। 10 हैं, लेकिन वो एक गाय एक दिन में दूध कितना देती है? वो ज्यादा नहीं देते, वो एक दिन में एक टाइम का 6-7 लीटर 8 लीटर ऐसा देता है। ठीक है, ज्यादा नहीं होता। ठीक, अच्छी गाय है वैसे, 8 लीटर कम भी नहीं होता देसी गाय का देखा जाए तो। हाँ, है तो देसी ब्रीड होगी या फॉरेन की ब्रीड है कोई? नहीं, फॉरेन ब्रीड नहीं है। अच्छा, देसी है। हाँ, फॉरेन ब्रीड पहले था, होलस्टाइन फ्रीजिंग था, लेकिन वो मैंने सेल कर दिया। दूध क्या रेट बिकता है आपका? वो 70-80। 70-80। हाँ, और आज से 2 साल पहले की बात करें तो वो 40 बिकता था, 40 रुपए बिकता था, अभी 80 तक पहुंच गया। हाँ, क्योंकि वो सब लोग देसी से जागरूक हो रहा है। हाँ, और देसी ब्रीड का वो जो मिल्क होता है उसका पौष्टिक गुणवत्ता, ये सब जागरूक हो रहा है और वो मांग रहा है। इसलिए मैं भी सोचा, तो सब लोग अगर मांग रहा है तो मैं कुछ करूँ। ठीक है, ये अलग ही है। ठीक है ठीक, ठीक है, इसलिए मैंने किया। ठीक है, अच्छा, तो क्या सोचते हो भाई साहब, जैसे 2 साल पहले 40 रुपए रेट था दूध का, अभी आपके यहाँ 80 रुपए हो गया, तो अगले 2 साल में कुछ और भी बढ़ेगा? सर और भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा मुझे इतना ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है लोगों ने बहुत दिल से चाहा है और भी चाहते रहेंगे, अगर आप लोगों को कृपा हो तो। ठीक है, क्योंकि आप अगर ये नहीं देंगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो भाईचारा रहेगा तो अच्छा होगा। तो आपने उधर ट्राई नहीं किया कि HSB का सीमन वेस्ट बंगाल में कोई लेके आता हो किसी सप्लायर वगैरह से? नहीं नहीं, एक दो बार ट्राई मैंने किया है, लेकिन वो सप्लायर वगैरह से जो मिलता है वो बोलते हैं
ये किधर है, ये तो नहीं है, तुम एक काम करो ये ले लो। तो मैंने उसका रिजल्ट देखा है, मैंने बोला इसका रिजल्ट अगर यही होता है तो मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने उधर से इधर ही आया है। ठीक है ठीक है, क्योंकि अगर खाना ही है तो प्योर खाओ। हाँ 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 वो मिक्स ब्रीड नहीं बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ध्यान है, ये जो धारणा है बंगाली में ये बोलता है, तो ये आप सब लोग से भी ये मिला है। ठीक है, और मुझे मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, नहीं है ठीक है, इसलिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। लेकिन आपको, आपके जुनून को हम सैल्यूट करते हैं भाई जी, सारे जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप लगभग मेरे ख्याल से एक छोर ही हो गया देश का और आप दूसरे छोर पे आए हैं। हाँ, क्योंकि हमसे आगे राजस्थान चलू हो जाता है फिर पाकिस्तान आ जाता है, तो आप दूसरे पाकिस्तान से दूसरे पाकिस्तान तक पहुंचे हैं, क्योंकि वो भी पहले पाकिस्तान ही था। हाँ, क्यों, तो इतना लंबा सफर तय करके नस्ल के लिए आना एक बड़ी बात है, और वो भी एक किसान सिमल लेने आए। चलो AIT आ जाता है, डॉक्टर आ जाता है, सप्लायर आ जाता है, उसकी मजबूरी होती है, लेकिन किसान का आना एक बहुत बड़ी बात है। बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आपने हम पे विश्वास किया और इतनी दूर चल के आए। और कुछ कहना चाह रहे हो भाई साहब? नहीं, मैं इतना ही कहूंगा, जितना भाई ये देख रहा है अभी, मैं सबको नमन करता हूँ दिल से। जो देसी ब्रीड है, मुझे लगता है ये देसी ब्रीड को हम लोगों का बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये यही एक कारण है जो मुझे माटी से जुड़ा रहता है और मुझे अच्छा भी लगता है। सिर्फ मुझे नहीं है, सबको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि देसी का अगर भला होगा तो देश का समृद्धि होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यही मेरा मानना है। बिल्कुल, बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई जी। और देखिए भाई साहब, साहिवाल का जो अपने तीन बुल हैं, सामने केसरिया खड़ा है, बाकी दूसरे बुलों को जो है हम लेके नहीं आए इधर साइड में, और दो बुल अपने जो मारुति और भीम है उनका भी भाई साहब सीमन लेके जा रहे हैं। साथ ही आज सुबह से मैं सीमन बैंक पे हूँ। आप भाइयों को बताना चाहूंगा, आज लगभग सुबह से शाम के लगभग कितने बज गए भाई जी, देखना टाइम? 3 बज गए सुबह से लेके शाम के 3 बज चुके हैं, और हमारे पास 3:30 3:30 बज गए, तो सुबह से लेके आज शाम हो चुकी है, और लगभग सारा दिन से ही किसान भाई HSB पे आ रहे हैं स्पेशल सीमन लेने के लिए। तो इसी वीडियो में हम जो भाई फिलहाल अपने पास प्रेजेंट में बैठे थे, बहादुरगढ़ के नज़दीक से आए हैं सीमन लेने के लिए स्पेशल। तो भाई साहब नमस्कार आपको, नमस्कार भी। तो नाम बताएं भाई साहब अपना। मेरा मनीष है भाई साहब। मनीष, और गांव भाई जी? गांव मेरा भुपनिया है, तहसील बहादुरगढ़ है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट, झज्जर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और भाई साहब अपना क्या नाम है? डॉक्टर साहब विशाल नाम है। विशाल, आप भी कौन से? अच्छा, उसी गांव में करते हुए AIT का काम, या और दाएं बाएं के गांव? दाएं बाएं के आसपास भी, आसपास भी। और आपका भाई साहब क्या नमस्कार? नाम भाई साहब, नमस्कार, नाम मंजीत है जी। आपका भी वही गांव? ठीक है, तो इधर जो भाई खड़े हैं राहुल, ये AI का काम करते हैं, पशुओं की डॉक्टरी करते हैं, और ये दोनों भाई पशुपालक हैं। आपका डेयरी फार्म भी है भाई साहब? तो कितनी भैंस रखी है भाई जी? 14 भैंस 2 गाय 14 भैंस और 2 गाय। तो भाई साहब सीमन लेने के लिए स्पेशल इतनी दूर आना क्यों मजबूरी समझा? बस ऐसे ही भाई साहब, क्या पैसे भी देते हैं और फिर बीच में ट्रस्ट करके किसी को क्या फायदा, जब बढ़िया चीज लेनी है तो आने में भी इतना वो नहीं होता है। जैसे डॉक्टर से कराते हैं 500 रुपये में जो बीज रखवाते हैं, यहाँ से मिलता है तो वो 40 रुपये का, जैसे हम फौजी का भी ले रहे हैं अभी। तो अगर 10 लेके जाएंगे तो हमारा तो पेट्रोल का वैसे भी फायदे में ही पड़ते हैं, ओरिजिनल की गारंटी हो जाती है यहाँ से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो बता रहा हूँ भाई साहब, लोग बोलते हैं कि डेयरियों में कटड़िया नहीं पालते, बढ़िया बुलों से अगर कराएंगे भैंसों को तो कटिया पालेंगे, आपको उसमें भी फायदा है। बिल्कुल, टाइम आ गया भाई साहब, अभी शेरे हिंदुस्तान जैसे अपने पास है धन्ना नवाब, सबकी कटड़िया दूध पे आ रही है, और धीरे धीरे जो आप लेके जाओगे उनका भी आएगा। अब तो रिजल्ट भी देख लिए भाई साहब, अब तो ये भी नहीं है भाई, फौजी का लेके जाएंगे, नवाब का और शेरे हिंदुस्तान का लेके जाएंगे। ठीक है, 3 बुलों को लेके जाएंगे। ठीक है ठीक है, तो आप भाई साहब डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी ब्रीड पे ध्यान दें, सबसे अच्छा यही है। उसमें सबसे अहम कड़ी जो है भाई साहब आप ही हो एक किस्म से। भाई साहब 1.5 साल लगा के आदमी को कटिया को तैयार करता है, फिर वो 8 किलो 9 किलो दूध पे रुक जाती है, तो किसान की मेहनत तो गई पीछे उसमें, तो क्या। बिल्कुल बिल्कुल,
जब आदमी मेहनत करता है तो किसान सबसे ज्यादा घाटे में तो किसान ही है। बिल्कुल सही बात है। तो आगे कटड़िया आएंगी 15-16 से शुरू होंगी, कटड़िया 20-20 किलो तक अच्छी। देखो कोई आपा भगवान तो है नहीं, बाकी उम्मीद है कि अच्छे से शुरू होंगी। पहले बोल दे आपा 15 से 20 से फिर मुश्किल हो जाता है काम। अभी नवाब की कटिया आ गई है, नवाब की तो बहुत अच्छी निकली है जी, नवाब की दन्ना की कसर वाली बात तो है नहीं। हाँ जी हाँ जी, वैसे काले सिर वाले का चाहे 22 किलो की कटिया आ जाएगी। हाँ 36 किलो दूध बाणी का तुला, फिर भी ये उम्मीद थी कि यार आधा किलो और बढ़ जाता। 36 किलो से भी आदमी का फुल भराई नहीं हो रही तो फिर 15 किलो से काम। ऐसा है भाई साहब, जैसे अभी आपका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, थोड़ा किसान जागरूक हुआ है, आगे आगे तो बहुत कुछ होना है बाकी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे रेशमा का उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा, उससे आगे भी किसी का बनेगा, फिर टूटेगा। बिल्कुल सही, चलता रहेगा। अभी ध्यान दिया है किसान ने अभी। बिल्कुल, अभी आगे आने वाला टाइम देखो जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा भाई साहब, ब्रीडरों की बजाय ना आम पशुपालक का ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो फोन आप पकड़े हुए है ना हाथ में, ये सारी चीजों की जानकारी अपने को दे देता है, और दूध भी आम किसान अब ज्यादा तुलवाने लग गया। चलो बड़ा बड़ा धन्यवाद सारे भाइयों का, और जो भाई कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आए हैं उस भाई का फिर दोबारा दिल से धन्यवाद। और काफ़ी कुछ भाई से हमें मैंने ज़्यादातर इस वीडियो में अपने झज्जर वाले भाइयों की बजाय जो भाई वेस्ट बंगाल से आए उन उस पे ज़्यादा ही फोकस रखा, क्योंकि भाई तो मेरे नेड़े के हैं, दोबारा फिर आ जाएंगे, लेकिन भाई साहब का रोज रोज आना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से नमन करते हो। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये देखिए जी, आज का वीडियो आप HSB से लेके आए, लास्ट में 2 मिनट मैं और आप सारे भाइयों की लूंगा। ये जो वीडियो है, ये सारे जो पशुपालक साथी वीडियो देख रहे हैं वो अपना जो AIT है, मैं कहूंगा नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जो आपका AIT है, जो सीमन रखने वाला है, अगर आप उसको बोलोगे कि जी हमें HSB का सीमन चाहिए और हमारी भैंस हीट में आ चुकी है या अगली हीट, ये हीट आपा मिस करवा के अगली हीट पे उसको सीमन रखवाएंगे, तो डॉक्टर खुद जो उसके पास सीमन देने के लिए सप्लायर आता है तो उसको फोर्स करेगा कि आम किसान सीमन मांग रहा है जी, HSB का सीमन हमें चाहिए, तो वो जो सप्लायर है वो HSB का सीमन जरूर जो है वो लेके पहुंचेगा डॉक्टर तक। तो जितने भी पशुपालक साथी जुड़े हुए हैं, इतनी दूर दूर से भाइयों को ना पहुँचना पड़े, तो जितने भी पशुपालक साथी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने AIT को बोलिए कि हमें सीमन चाहिए HSB का इस बुल का, तो अगले 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में वो डॉक्टर अपने सिलेंडर में जरूर भी सीमन रखेगा। और जो दूर के भाई हैं, बिहार से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, तमिलनाडु आंध्रा से हैं, वो भाई कोशिश कीजिए कि वो भी या तो HSB से सीधा लेके जाएं, या आप उधर डिमांड करेंगे तो वहाँ के सप्लायरों की भी मजबूरी हो जाएगा कि वो इस साल ना तो अगले साल जरूर जो है वो सीमन उपलब्ध करवाएंगे। और बड़े बड़े धन्यवादी हैं जो आज कई दिनों के बाद सीमन बैंक पे आपा पूरा दिन लगाया, और सारा ही दिन जो है जो पशुपालक साथी आते रहे सीमन लेने के लिए। और आप भी जितने भाई ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारा सप्लायर उस स्टेट में है तो उस स्टेट के नंबर जो है वीडियो में लगातार चल रहे हैं, आप वहां के सप्लायरों को फ़ोन करके डायरेक्ट सीमन ले सकते हैं। AIT का सिलेंडर ले जाइए, अपनी कोई बोतल वगैरह ले जाइए, थर्मस जो आजकल मिल्टन वगैरह की मिलती हैं, घंटा दो घंटा उसमें सीमन चल भी जाता है, तो आप अपने डायरेक्ट सप्लायर भाइयों से सीमन लेके आइए। और नस्ल सुधार में मैं कहूँगा, हमें नस्ल सुधार ज़रूर करनी पड़ेगी, इस देश का भला तभी हो सकता है जब नकली दूध बंद होगा, और नकली दूध बंद होने के बाद हमें पशु ऐसे चाहिएंगे जो अच्छा दूध देते हों, तभी हम इस देश में दूध की पूर्ति पूरी कर पाएंगे। तो सारे भाई उसमें सहयोग करें, HSB से जुड़ें, और जितने भी नंबर चल रहे हैं सप्लायर भाइयों के, वहां आप फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, और ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइए कि जो भाई अपने वेस्ट बंगाल से आए हैं उनकी आपको बातें कैसे लगी, उनके विचार कैसे लगे। और वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके भाई इतनी दूर से आए हैं, तो सारे भाई लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राम राम सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को मेरी तरफ से।